बोंगियाँ बहुत मारता है पॉलिटिशियंस का और जो भी हुकूमत करने आता है ना उसके एक फेवरेट पास टाइम है कि वो पैसे की सप्लाई बढ़ाता रहता है अपने काम करने के लिए मिसाल के तौर तो पर पी एच डी के प्रोजेक्ट चलाने के लिए या फिर अपने के के लिए। के लिए। तो आपकी मिसाल के तौर तो पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है इट्स इन दिन ठीक है जी?

सबसे बड़ी साजिश आप के आप oh, पॉलिसी तो तो मेकर्स खुद करते हैं आपके साथ अच्छा आज के इस पॉडकास्ट में हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे शायद महमूद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं थैंक यू शायद साहब फॉर जॉइनिंग अस इन द पॉडकास्ट टुडे बसमिल सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आमिर साहब फॉर इनविटेशन टू दिस प्रोग्राम इट्स प्लेजर फॉर मी टू बी जी इन जो है इसको आपके इसको आप कुछ कलील देती है कुछ तवील देती है दूसरी बात यह है कि देर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व आपको अगर मैं ये कहूँ हर चीज पे अब अगर हम हर एक एस्पेक्ट पर जानी शो दैट वुड बी अ वेरी लॉन्ग डिबेट इसको मैं सिंपल कर देता हूँ आई रोड इन आर्टिकल ऑन टू इसको आपने देखना डिमांड साइड पे और एक सप्लाई साइड पे अब सप्लाई साइड का क्या इशू होता है कि आप मिसाल के तौर पे एक आपके सप्लाई जैसे हम कहते हैं सप्लाई शॉक आ गया mm. अब सप्लाई शॉक ये था होता है कि अब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होगी बिल्कुल और उसकी वजह से तेल की और बाकी वो जरिए जनास की जो कीमतें हैं आलमी मंडी में दैट देट अप लिटरली शार्ट अप मतलब इट वेंट थ्रू द रूफ तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसके बाद वैसे ही डॉलर्स कम होते हैं और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी काफ़ी है तो जाहिर है इस किस्म के जब शौक आते हैं तो एक चीज़ मिसाल के तौर पर तेल अगर आपको पहले साठ रुपये फी बैरल साठ डॉलर फी बैरल मिल रहा था और वो अचानक एक सौ तीस जाए एक सौ तीस पे चला जाए एक सौ तीस डॉलर फी बैरल पे तो ऑबियसली एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया तो वही चीज़ अब आप सिर्फ अब तेल की मिसाल ले लें कि तेल सिर्फ ये नहीं है कि आगे गाड़ियों में डलता है तेल जो है आपकी बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल होता है तेल और डीजल आप देख लें कि जरात में कितना इस्तेमाल होता है तेल मतलब आपकी जो इकतदी जिसे हम कहते हैं ना इकनॉमिक मोबिलिटी इट डिपेंड्स अपॉन इट इट डिपेंड्स अपॉन ऑयल एंड इट्स ऑयल कंजन इट्स अ बिग पार्ट ऑफ इट ऑफ इकनॉमिक मोबिलिटी तो जो चीज़ आपको पहले 60 डॉलर में मिल रही थी वो 130 डॉलर पे पहुंच गई तो जाहिर है उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो पड़ेगा वही जो बाहर से ये ये एक शौक है सप्लाई शौक है। और इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है व्हाट वुड यू डू पाकिस्तान में ग्लोबल मसला है ये।, ये एक ग्लोबल मसला है आप पाकिस्तान में तेल के अपने जो जहाँ से यहाँ से जितना तेल निकलता है वो हमारी ज़रूरत का मुश्किल से चौदह पंद्रह फ़ीसद पूरा करता है तो बाकी पचासी फीसद बाहर से आता है तो अगर आप चीज़ महंगी लेंगी तो ज़ाहिर है चीज़ महंगी बिकेगी भी और उसके कोई कोई तो दिस थिंग uh, अगर आप में कोई uh, वो चाहते हैं कि इसमें आपके पास फिर ऑल्टरनेट होना चाहिए hmm. तेल आप नहीं खरीदते तो फिर आपके पास क्या ऑल्टरनेट है जी भी महंगी है मतलब नहीं। यू, हर तो ये किस्म के फिर अपने के डोमेस्टिक सप्लाई शॉक्स भी काफी है आ, मिसाल मैं दे सकता हूँ कि बिजली की कीमत अचानक बढ़ा दी या फिर नए टैक्स लगा दिए ठीक है जी तो ये आप ज़रा ये जहाज़ पे खाने पीने की चीज़ों पे या इस तरह की और वो जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा दिया ये भी एक शौक आ गया एग्जैक्ट exactly. उसके कोई ना कोई जो है वो रिव्रेशन तो होंगे तो वो आ, जो है ये लेकिन उसमें यह होता है कि कुछ लंबे अरसे के लिए होते हैं कुछ जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं फिर दूसरी साइड डिमांड साइड कि आप उसमें बुनियादी तौर पर जो मरकज़ी बैंक है उसकी पॉलिसीज़ आती हैं स्टेट बैंक की स्टेट बैंक की पॉलिसीज आती हैं उसमें सबसे बड़े आ, जो एक इसमें कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में वो ये है कि हम कहते हैं मनी सप्लाई okay. पैसे की वो जो स्टॉक ऑफ मनी है ना वो कितना है बढ़ता जा रहा है ये एक आई वॉन्ट गो इन टू द डिटेल्स लेकिन इकनॉमिक्स में एक बड़ा नॉन एक जो आपस में एक कोरिलेशन है इनका वो ये है कि पैसे की Uh, कितनी सप्लाई है और उसके है। साथ जो है जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन की हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इनका आपस में एक लिंक है तो अगर आप बुनियाद मुख्तसर ये कि अगर आप बढ़ाते जाएंगे पैसे की क्वान्टी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी ज्यादा आप छापना शुरू करें नोट ठीक है तो ज़्यादा, ज़्यादा नोट छापना शुरू करें तो वो आपके असर जो है वो उस पर फिर आ, आएगा इन्फ्लेशन पर तो आप पाकिस्तान के इन्फ्लेशन पाकिस्तान की मनी सप्लाई उठा के देखें तो ये दो हमेशा से अभी की बात नहीं है ये पॉलिटिशियंस का और जो भी हुकूमत करने आता है ना उसके एक फेवरेट पास टाइम है कि वो पैसे की सप्लाई बढ़ाता रहता है अपने काम करने के लिए मिसाल के तौर पे पीएचडी के प्रोजेक्ट्स लाने के लिए या फिर अपने हुकूमत के अखराज चलाने के, के लिए तो वो चीज़ें तो ये दोनों डिमांड और सप्लाई मिलके ना ये इश्यूज बनाते हैं क्यों परसिस्टेंट है अब अब इसलिए इतना ज़्यादा इस इस बार क्यों मसला बना हुआ है क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ एक शौक नहीं आया एक तो बाहर से शौक़ थे ना जी। जो आ गए रूस और यूक्रेन के अब तो वो काफ़ी हद तक नीचे चले गए अब तो जो कमोडिटीज़ की प्राइस है वो काफ़ी हद तक दे कम बैक टू द नॉर्मल जो कि रूसो यूक्रेन वॉर से पहले की थी लेकिन आप देखेंगे उसी वक्त जब ये मसला शुरू हुआ तो फिर वो कहते हैं ना नैले पे दहला पाकिस्तान में वो बारिशें बहुत ज्यादा और सैलाब जो आया रिकॉर्ड सैलाब आया हाँ जी 2022 हजार बाईस के सैलाब आए तो ह्यूज दैट वाज अ डोमेस्टिक शॉक वो भी एक सप्लाई शॉक था लेकिन वो डोमेस्टिक शॉक था तो ये एक तरफ से तो ईज हो गया वो एक शौक लेकिन वो जो आपके वो जो डोमेस्टिक शौक़ है उसकी रिव्रेशन अभी तक है अभी तक है और साथ साथ आप देखें कि आप मनी सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं आप उसको कम नहीं कर रहे अखराजात आपके बढ़ते जा रहे हैं कम नहीं हो रहे तो वो कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती ताली दोनों हाथ से बजानी पड़ती है तो ये चीज़ें जो है अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं रो रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन बहुत है और दूसरी तरफ आप पैसे की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं नोट मजीद छापते जा रहे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट इट टू इतनी ज़्यादा नहीं हुई बिल्कुल ये सही बात है अब देखें उसमें फिर और बहुत ज़्यादा आप uh, हमने अभी बात की थी कि पैदावार प्रोडक्टिविटी आपकी ओवरऑल इकॉनमी में ये लॉन्ग टर्म में ये इसका बड़ा असर होता है तवील मुमुदती आप जब बात करें ना तो आपकी मिसाल के तौर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है इट्स वन ऑफ़ द लोस्ट इन दिन ठीक है जी बिल्कुल शॉप

तेल और डीजल वगैरह ये अपनी जो ज़रूरियात हैं हम ये पचासी फ़ीसद हम बाहर से पूरी करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक दो डॉलर का फ़र्क भी आएगा तो तो कुछ ना कुछ इसका असर यहाँ पे पड़ेगा exactly. ठीक है वी आर ओरिएंटेड राइट सो हम कुछ नहीं पैदा कर रहे हो सकता है जैसे अपने लॉन्ग टर्म की बात की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की या अपने इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाने की मसल अगर हमारा जो डेफिसिट है इस वक्त इंटरनेशनल उसमें उस डेफिसिट को कम तो ऐसे ही करेंगे ना जब हम कुछ बेचने के काबिल होंगे आई डोंगर लुक्स लाइक ए विश नो हम आ, वक्ती तौर पे जब बाहर से पैसे आते हैं पंप इन होते हैं आईएमएफ आता है कोई और आता है तो वक्ती तौर पे तो हम आ, थोड़ा सहारा मिल जाता फिर दोबारा हम उस ट्रैप में चले जाते वी डोंट सीम टू कमिंग आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल तो क्या ये इम्पोर्ट ओरिएंटेड होने का मसला है या हमें ए, क्या मतलब एक जनरल बात ये की जाती है ना आमियाना तौर पे कि भाई हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए हाउ इट वर्क इसमें देखिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप हो भी जाए हाँ। लेकिन मैंने आपको मिसाल दी ना कि आप पैसे छापते रहें और आपका ख्याल है कि पैसे छापने से कुछ नहीं होगा और छापते रहें और छापते रहें और मजीद उसकी वो क्वान्टी बढ़ाते जाएँ तो कहीं ना कहीं उसका असर नज़र आएगा आप जो मर्जी हो जाए ठीक है इकानमी का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का है कि उसमें हमारे लिए आप ना भी चाहें तो वो कोई ना कोई आपको शौक आके बाहर से एक दो डॉलर तीन चार डॉलर भी हो जाए हालांकि वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती लेकिन वो जिस किस्म के आपका स्ट्रक्चर है आ, और जिस किस्म की आपकी पॉलिसीज है जो आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज जिस तरह की इकोनॉमी एकनौ, का स्ट्रक्चर जिस तरह का है वो कहीं ना कहीं से आपको अफेक्ट करेगा अब देखें इसमें मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ वो कहते हैं ना बात से बात चल निकली लिए तो हम बात करते हैं कि अब हमें ज़रियी जनास जो है मिसाल के तौर पे इस साल भी हमें और पिछले साल भी गंदम बार से मंगवानी पड़ेगी exactly, तो सवाल ये होता है ना कि अक्सर सवाल पूछते हैं कि हम कौन सा ज़रूरी मुल्क है हमें तो शुरू से यही पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क, मुल्क है ज़रूरी मुल्क मुल्क है तो ये कौन सा ज़रियी मुल्क है कि आप बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं आपको तो एक्सपोर्ट करनी चाहिए सर सही है तो अब देखें जो वफाकी और सूबाई सतह पर जितना मुझे इल्म है कि सौ से ज़्यादा मेरे ख्याल में एक सौ पंद्रह के एक सौ बीस आ, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मुझे पता चला मे बी द फिगर इज़ समर मतलब शायद कम हो थोड़े ज़्यादा हो कम हो शायद इतनी ना हो लेकिन इतना मुझे पता कि अच्छे खासे रिसर्च जिधर आप सूबाई लेवल ले पर चले वफाक के लेवल ले पर काफ़ी तो सवाल ये है कि अगर आपके पास इतने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं तहकीक़ के लिए कि जी इस पर तहकी करें तो अभी भी आपके जो सबसे अच्छी फसल होती है उसके लिए बीज आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है तो सवाल ये है कि आपके निज़ाम क्यों ऐसा है कि आपके इतने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पैदावार आपकी ये दुनिया के जो सबसे कम जहाँ जो इन ममालिक में उनमें पाकिस्तान एक है तो फिर आखिर प्रोड्यूस सीड आप मतलब सीड प्रोड्यूस करें बट इट्स नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी दैट उट साइड okay. so बहुत बड़ा मैंने देखा एक एक वो तो आप जिधर चले जाएं, आप पिशावर चले जाएं, हाँ। कोटा चले जाएं, बड़े बड़ी तो बड़ी बड़े, बड़े जमीने घेरी हुई सी <laughs> एक बाहर ना चक्शेजात में एक शॉप है तो वो कहते हैं हम ऑर्गेनिक अंदर उगा के शॉप पे बेचते करके चीजें सीट मुझे नजर नहीं आया सही कह रहे हैं तो वो आप तो ये ऑर्गेनिक जो है ठीक है उसकी एक छोटी सी मार्केट है आ, लेकिन ऑर्गेनिक तो कितने तो, लोग अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में गया गया। अच्छा फिर आप ये देखें कि हम बात करते हैं ना कि जी यहाँ पे फूड इज डियर डेयर फूड यार क्यों वो इतना वो महंगा हो रहा है अभी परसों ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एक एस्टिमेट लगाया गया कि पाकिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड Food. वो हर साल ज़ाया होता है ओके okay. सही wow. तो देखें ये भी एक शौक है ठीक है एंड इट्स अ डोमेस्टिक शौक आपकी पॉलिसीज है नहीं कि आप फूड जो वेस्ट है हाँ. उसको कंट्रोल करें ना hmm. सही अगर आप वो फूड वेस्ट, 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 वेस्ट कंट्रोल हाँ. करते हैं इट्स इन ट्रिलियंस ऑफ टनस तो आपको शायद बाहर से फूड मंगवाना भी ना पड़े की जरूरत ना पेश है सही सो देखें पॉलिसीज पे आती है बात अगर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है हमारा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इंपोर्ट डिपेंडेंट है

Uh, तो फिर एक वावेला मछता है कि हम आई के पास जाएँ तो वाई वाई वी कीप गोइंग टू आई एम एफ़ और आई के पास हम जाते रहते हैं लेकिन आज इतने सारे प्रोग्राम्स हमने किए आई के बट स्टिल वी आर स्टैंडिंग वेयर वी वेयर आई इवन वर्स ऑफ टुडे तो आई के पास जाना कोई हल है या आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस होल सर्कल एक बुनियादी सवाल है आई के पास जाता कौन है क्या वो हमें बुलाते हैं नहीं हम जाते हैं ना। हम जाते हैं तो प्रॉब्लम पूरी तरह से तैयारियों के साथ जाता है प्रॉब्लम लाइज एट के हर दो तीन साल बाद आपको क्यों ज़रूरत पेश आती है कि आई के पास और सिर्फ आई के पास नहीं कभी इधर भाग रहे होते हैं बीजिंग भाग के चले जाते हैं कि जी उधर कभी यूरोप में घूम रहे हैं कभी वाशिंगटन की यात्रा कर रहे होते हैं कभी इधर यू चले जाते हैं कभी रियाज चले जाते हैं सऊदी अरब से पैसे मांग रहे होते हैं तो देखें इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईएमएफ इट्स अबाउट यल दिस प्रोग्राम के जी आप कभी दो हर दो तीन साल बाद कभी इधर दौड़ लगाए उधर दौड़ लगा रहे होते हैं और पैसे मांग इट्स रियली लेट मी पर्सनली से इट के यार एज पर्सनली एज एन इकोनमिस्ट इट्स एन एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए शर्म की बात है इट्स एम्बेसिंग इट्स एम्बेसिंग के चौबीस करोड़ लोग हैं एक ऐठवीं ताकत है और आप आई एम एफ के तरले मिलते डाल रहे हैं वो और कितनी अमाउंट कित, हाँ हाँ एक है दो बिलियन आप पाँच सौ मिलियन सात सौ मिलियन के लिए लोगों के तरले कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी यार ये क्या हो रहा है मुझसे अक्सर जो मेरे दोस्त है बार वो अक्सर पूछते हैं ठीक है ये क्या इशू क्या है अनिल अंबानी खर्चा है <laughs> खैर इंडिया तो वो तो वो तो, तो एक अलग स्टोरी है ना उनकी तो आप अलग स्टैंडिंग है वो बिजनेस मैन है वो अरबों में डॉलर्स में डील करते हैं तो हमारे लिए तो हम तो अभी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बना ले तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि यार ये, ये आ गया हाँ। तो देखें आई के पास हम अगर जाते हैं हमारी गलतियाँ है। मैं एक और अगेन क्योंकि ये दीज आर वेरी कम्प्लेक्स इशूज तो उसको मैं जरा सादा पेराए में सिंपल तरीके से बयान करने की कोशिश करता तो मैं एक दो मिसालें देता हूँ देखें बलूचिस्तान में हमने गैस रिजर्व डिस्कवर किए थे फिफ्टीज में सुई में ओके यस वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड ठीक दर्ल्डली अच्छा उसके साथ हमने ये किया कि वो अभी भी अब तो खैर उसमें रहे नहीं है इतने अभी भी उसको बिलो मार्केट रेट उसको बेच रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान में ओके okay. सिंगल यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम पूरे बिजली पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट पे चलेगी गैस पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट पे चलेगी अच्छा ये कहीं आप चले जाए हम लोग मिसालें बड़ी देते हैं ना कि एडवांस कंट्रीज में इंडस्ट्रियल है तो वहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं किया आप नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को आप बलोचिस्तान की गैस पे चलाते रहेंटली एट सब्सिडाइज रेट रिडिकुलज रेट एग्जैक्टली तो आप एक चीज़ की कीमत जो है उससे कम कीमत पे आप उसको इस्तेमाल करें ना तो वो इट्स के काइंड ऑफ फ्री भी मतलब क्या थी और अभी भी कौन सी इतनी गैस की प्राइजेज है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बिजली के मुकाबले में आप गैस की वो देख लेना जो वो आते हैं वो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अच्छा आप गैस को आप लोगों को ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि इसको ज़ाया करो पचास साठ साल से हम ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि सुई की मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दी कि गैस ज़ाया करो क्योंकि हम आपको उसको मुफ्ते में बेच रहे हैं एग्जैक्टली सो देर इज नो कंजरवेशन एफर्ट ठीक है अब आपकी जब गैस खत्म होगी तो फिर बार मारे मारे फिर रहे तो फिर आपने क्या अच्छा जी वो कतर से जाके एलएनजी ले लें आपके पास कोई यू वेस्टेड ऑफ रिसोर्स सो वट ऑप्शन डू यू है तेल आपके मुल्क से इतना कोई निकलता नहीं है कि हमें हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए न अच्छा गैस जो है वो इतनी निकलती नहीं है hmm. अच्छा फिर आपको एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि बहुत सी जगह पाकिस्तान में एंड दिस वुड भी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई डिस्कस नहीं आई डोंट नो क्यों नहीं डिस्कस करते hmm. इवन आप ऑयल एंड गैस सेक्टर वालों से वो पूछे तो वो बहुत सौ से मैंने पूछा तो फिर आखिर में वो कहते हैं यार छोड़ो इस बैस को इसमें ना पढ़ो तो देख अच्छा। अब मैं एक मिसाल देता हूँ ये आ, अभी जो फाटा के फॉर्मर फाटा अब तो के पी में जम हुआ हो, हो गया उसको। मर्जर हो गया और बनू के इर्द गिर्द इसमें नॉर्थ वजीरस्तान के साउथ साउथ वजीरिस्तान और बनू के आस पास जो है आ, जो गैस और तेल के ख़ास तौर पर गैस के बहुत बड़े ख़ायर दरियाफ्त हुए थे हुए थे अच्छा ठीक है जी अभी उस पर काम शुरू हुआ है उसे निकालने के लिए है। ये लास्ट ईयर वो Minister, के पी के फाइनेंस देखो हमने इतने ऐसे। तो एट समथिंग मैंने कहा रिजर्व जो है अर्ली टू थाउजेंड में दो हजार दो दो हजार तीन में सबको पता था कि यार यहाँ पे रिजर्व है इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया सवाल ये है कि अभी वो दो हजार बाईस तक क्यों प्रोडक्शन नहीं hmm. होता है ah.

अब ये अब एक आपको मैं एक आ, आ, बात बताता हूँ जो कि मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग थी बड़े इंटरेस्टिंग लास्ट ईयर मैं के गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था तो उधर एक बात वहाँ पे उनका के का अपना ओ है सही है जिस तरह वफाकी सतह पे ओ है ना जी तो बात 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 में उनकी इसी चीज़ पे बात आई तो मैं ये उनसे आ, पहले तो मैंने उनसे ये पूछा कि यार ये तो 2002 हज़ार तीन में डिस्कवर हुए थे तो ये अभी तक क्यों अनडिसकवर्ड है तो पहले तो थोड़ा सा उनको ये शौक लगा कि इसको ये पता है कि उस वक्त डिस्कवर हाँ, हुए थे क्योंकि उन्होंने किसी से ये सवाल नहीं पूछा तो पहले मुझे कहते हैं कि आपको कैसे पता तो उनको मैंने कहा कि यार आई हैव द रिपोर्ट्स वो और उस वक्त अखबारों में भी आई हुई थी ये चीज़ें तो फिर खैर उसका भी जवाब उन्होंने कोई नहीं दिया उन्होंने नहीं दिया अच्छा दूसरी बात फिर इंटरेस्टिंग जो मुझे पता चली वो कहते हैं कि इसमें फॉरेन फर्म्स जो है नॉट अलाउड ओके यहाँ पे आके जो है वो प्रोस्पेक्टिंग करें या इस तरह प्रोडक्शन करें so, <laughs> <नहीं, वो> भी सिक्योरिटी <laughs> बस वो कह रहे थे कि अगेन मैंने उनसे पूछा कि बताएं uh. कि क्या यार इसमें हम तो रो रहे होते कि एफ नहीं आ रही hmm. तो अब एफ आ रहा आप उसको क्यों मना कर रहे हैं exactly. तो वो भी उसका भी वो कोई जवाब देने से कतरा रहे थे लेकिन अगेन फिर वो बात बढ़ जाएगी ना वो सिक्योरिटी हमारी स्टेब्लिशमेंट जो है हाँ के हाँ उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट काफ़ी हैं ओके ठीक है तो आई आई होप यू गेटिंग द पॉइंट तो देखें हम अपना अब ऑयल फॉर रनिंग देंगर हाँ जी वो, 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 वो तो ये इश्यूज जब तक है ना ये मल्टीपल हमारे अपने मसाइल हैं फिर हम आईएमएफ के पास जब जाते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख लें इट्स वन ऑफ माय एरियाज उसका नाइन्टी फाइव परसेंट रॉ मटेरियल जो है दवाइयाँ बनाने के लिए वो बाहर से आता है ओके okay, so, सो तो हमें एक दवा में पटाया जाता है हम जो है ना दवा पाकिस्तान जो है मेडिसिन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करता है एज पाकिस्तान डन एक्सपोर्ट मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन लेकिन वो उन्हीं ममालिक को करता है जहाँ पे आ, जो आ, जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत लैक्स हो ओके okay. अफ्रीकन ममालिक हो गए अफगानिस्तान उधर क्या स्टैंडर्ड है उन्हीं को, को रॉ बाहर से लाते हैं फिर बनाते हैं रॉ मेटील देखें वो सवाल आया ना आई का तो मैं आपको ये मिसालें दे रहा हूँ कि अब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वालों से मिले एंड आई एम कॉन्सटेंटली इन टच विद देम आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं यार और मैंने पिछले साल ये जो इनका रेगुलेटर ड्रैप उस पर पूरी मैंने एक रिपोर्ट हुँ. भी लिखी थी उसमें मैंने ये चीज़ मैंशन की थी दो तीन दफ़ा उन्होंने जो कोशिश की है कि यहाँ पर बनाने की सही है कि ये यह चीज़ यहाँ पर बनाई जाए और इवन गवर्नमेंट लेवल पर भी एक बड़ी कोशिश हुई थी तो उसमें एक जो वो थे उनको तो फिर उन पर एफ आई ए की एक पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठ गई अच्छा जो बनाना चाह रहे बनाना चाह रहे थे ठीक है और फिर आखिर में क्लियर हो गए दो साल बाद कभी उनको बुलवा बुलवा के आखिर में उसने तोबा कर ली उसने कहा नहीं वो बनाते हुए वो फंस गया इधर बनाते हुए वो फंस गया ठीक है जी फिर यहाँ पे जिसने भी कोशिश की है कि कोई अपनी इस तरह की फैक्ट्री लगाए या कोई वो करे या क्वालिटी स्टैंडर्ड तो उसको तरीके तरीके से तंग किया गया सही है अब मतलब गवर्नमेंट का काम अब ये है ना कि आप उनको बिजनेस को ईज करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोटेक्शन तो आपने यहाँ पे लोग बिठाए हुए हैं रेगुलेटरी एजेंसियाँ बनाई बैठाई हैं लोगों को तंग करने के लिए कि वो बिजनेस कर ना सकें hmm. तो इन हालात में आपको फिर यू हैव नथिंग यू हैव नो इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एट होम एब्सोलूटली आई मीन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जब जितनी भी हम पॉलिटिकल बात करें तो एक्चुअली हम इन्वेस्टमेंट को बेसिकली डिस्करेज करते हैं पोलिटिकली ठीक है ना छोटी सी मिसाल नहीं ये तो फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात है एफ बी आर की मिसाल एफ बी आर में अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो आप फंस गए हाँ, अगर नहीं है तो आप नान फाइल देखो यहाँ पर मजे की बात नॉन फाइलर हैं तो आप लीगल हैं आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं फाइलर हैं तो आपके ऊपर दस नोटिस आएंगे आपने ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया तो ये तो बिजनेस का भी है ना बिज़नेस पे आई डोंट नो एफ भी छापा मारता होगा मतलब एक स्टार्टअप कोई करना चाह रहा है कोई नई बिज़नेस खोलना चाह रहा है तो आई मीन इट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट आई एज आई अंडरस्टैंड तो इन्वेस्टमेंट तो बड़ा मसला है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट और इस तरह के बाकी जितने भी मसाइल हैं ना, तो

जहाँ इकनॉमिक मेरिट पे डिसीजन लेने चाहे वहाँ पोलिटिकल डिसीजन लेते हैं बस पैसा छापना क्या ये पोलिटिकल डिसीजन है शॉर्ट टर्म वी डोंट थिंक बेउन दैट जी तो जब आप इकोनॉमिक चलाने के लिए अकाउंटेंट को रखेंगे तो ये भी होता ना ये तो आ, <laughs> आ, है ना सर ये हाँ जी वो अकाउंटेंट साहब है हमारे तो साहब के क्या वो है अभी आई डोंट नो क्या प्रायोरिटीज हैं उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है उसकी ये और वो ये है कि वो उनके घर का बंदा है नवाज हाँ। शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए बस, का। उसने उस बस के उसको रखा हुआ इस काम के लिए बाकी तो <laughs> yeah, yeah, <laughs> आई तो स्पेशल जहाज भिजवाया कोई बहुत बड़ा जादूगर है हमें बताया भी गया ये महता इसमाइल बड़ा खराब आदमी हम एक बंदे को ला रहे हैं मेजिशियन ला रहे हैं वो आगे चीजें फिक्स करेगा तो मेजिशियन जब से आया सर इकोनॉमी दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं जा रही है और मेजिशन नहीं है अच्छा yeah, <laughs> you know, we, we really really इसमें सर ये एक तो मामला है ना देखिए हमने बात की जैसे आपने ये स्विगेस की बात की इस पर रिसोर्स पे टच किया रिकॉर्डिक है थर्कोल है फॉर एग्जाम्पल दिस आर दोटेंशियल जी एक्नॉमिक हमारी जो ग्रोथ uh, uh, है उसके लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है तो वाई आर वी फेलिंग ऑन दोस जो हमारा पोटेंशल है बहुत बड़ा ये तो गिवन है ना चलो आपने एक्सप्लोर करना है देखना है लेकिन यहाँ तो आपको पता है कितने रिसोर्स है कितने जराए हैं कितना आपके पास जो है वो बेहतरीन इस वक्त वसाइल मौजूद थे तो आई डोंट वी टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट डेट लेट मी ब्रेक इट डाउन टू मेक इट सिंपल ओके लेकिन वही बात आती है ना कि डॉक्टर हाँ। मुबारक वैसे डॉक्टर मुबारक मंद साहब एक होते थे <laughs> वो बड़े हमें हमें ऑप्टिमिज्म दिला के फिर गाइफ हो गई बीच में आई सॉरी देखें मैंने बात वहीं पे आती है ना कि हाउ इज़ योर हाउ इज़ योर कंट्री बींग गवर्न अब देखें रिकोडक की बात आती है फिर मैं थर्कोल की भी बात करता हूँ ठीक है रिकोडक ये इसके जो या है ये 1950 से हमें पता हम्म ठीक है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने के हम लोग अंग्रेज़ों को गालियाँ देते हैं ओ जी है वो वो बड़े तगड़े थे उन्होंने जितनी प्रोस्पेक्टिंग पाकिस्तान में उन्होंने की है जियोलॉजिकल सर्विस की है वो देखें अभी तक चल रहे हैं हाँ। उनके गवानी भी, भी चल रहे हैं लेकिन वो तरीके से इस्तेमाल करते थे तो हमारे वाले तो ये काले अंग्रेज इन्होंने बनाया खुद नहीं किसी का वो उसके लिए चीज़ उनके अगर उन्होंने कानून बनाए थे उनको पता भी था कि इम्प्लीमेंट कैसे अच्छा अब ये रिकॉर्ड एक अच्छा ये नाइनटीन लेट नाइनटीन एटीज़ में इस पर बात चल रही है कि जी वो एक कंपनी आई उस hmm. वक्त की बहुत बड़ी कंपनी थी उन्होंने अर्ली नाइन्टीज़ में फिर एग्रीमेंट साइन किया है hmm. अब नाउ आई डिड अ होल थ्रेड ऑन दैट ना ये पूरा एक जासूसी नावल है अब वो जिस तरीके से जिस मिस्टीरियस तरीके से वो साइन हुआ था ठीक hmm. है तो दैट्स अनदर स्टोरी अच्छा फिर उसके बाद एक दफ़ा साइन हो गया तो आप अचानक उसको रोक क्यों लिया फिर कौन आया कि गवर्नमेंट चेंज और गवर्नमेंट जब चेंज हुई उसको किसने कहा कि यार इसको रोक दो hmm. सही अचानक जो है अचानक रोक दो अच्छा अब देखें फॉर गुड और फॉर बैड ये पाकिस्तान के लोगों को पॉलिसी मेकर्स को ये समझ नहीं आती कि इफ़ यू हैव एंटर्ड एन एग्रीमेंट यू हैव टू प्रसिव दैट एक चीज़ होती है आपकी स्टैंडिंग आपकी क्रेडिबिलिटी होती है आपकी स्टैंडिंग क्रेडिबिलिटी नहीं होगी ना तो आपको इन्वेस्टर भी नहीं आएगा वो कहेगा यार ये फ्रॉड है Exactly. आज एक बात करते हैं कल दूसरी बात करते हैं एंड आर सो काउंटलेस अभी आप वो 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 देख ले कंपनी फिर कोर्ट गई hmm. ये तो एक थे ना yeah. कितने लोग हमारे खिलाफ कोर्ट्स गए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में और हमें कितनी पकी पड़ी है उसकी लेकिन हमने सीखना नहीं है अभी भी वही उसी डगर पे चल रहे हैं अच्छा देखें फिर उसमें यह हुआ कि आपको पता था कि यार ये रिकुड में कहीं बड़े अच्छे कॉपर और गोल्ड के वो दिखाया है उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हम कहते हैं ओके उस पर भी मतलब एक इंडिकेशन मिली थी कि वो थी अच्छा वो सारी कार्रवाई आज तक वो जो उसकी वो ओरिजिनल जो लॉजिकल रिपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं है ओके okay. सही है पब्लिक नहीं किया पब्लिक अच्छा फिर ये मसला चल रहा है चल रहा है यार बैठ के हल कर लो नहीं हमने हल नहीं करना अच्छा फिर एक साहब है वो कोई वहाँ पे थे में जिनका आज तक हदूद अरबा पता नहीं चला कि ये अचानक किधर से उठे हैं अच्छा और उनको किसने कहा वो जाके हाई कोर्ट पहुँच गए ये मौलवी अब्दुल हक साहब मौलवी अब्दुल हक साहब ये तो पुराने वाले तो नहीं है बाबा नहीं दोबारा जिंदा हो गए <laughs> वो वो मैंने पता करने की कोशिश की तो वो उन्होंने फिर मुझे फिर मुझे मना कर दिया कि यार मैंने बड़ी कोशिश की कि ये कौन थे जो के फिर लेके गए इसको जी नहीं ये सूबे के खिलाफ है और मुल्क के खिलाफ है तो मैंने बड़ी सर्च करने की कोशिश की फिर एक वो बलोचिस्तान में एक वो बड़े बाग दौड़ के बाद एक साहब मिले उस वक्त बलोचिस्तान में होते थे बड़े अच्छी पोजीशन पे और टॉप लेवल पोजीशन पे होते थे उनसे मैंने <laughs> पूछा वैसे अब्दुल्लाक का जिक्र किया तो खामोश है उन्होंने कहा इस तरह की बातें ना पूछा करो अच्छा। तो मतलब तो आप भी बस ठीक है हाँ। हम समझ गए ना आप, हाँ हसास चीजें हाँ तो अब्दुल्लाक साहब आए उन्होंने बस वो एक पंजाबी कहते हैं ना पसूड़ी डाल दी पुसूढ़ी डाल दी सही है तो जहाँ मसला हल होना था वो नहीं हुआ अच्छा फिर उसमें यह हुआ कि बात चली गई सुप्रीम कोर्ट सही है सुप्रीम कोर्ट चले गए वहाँ पे जब ये मसला चल रहा वहाँ पर रिपोर्ट जो है उन्होंने बिल्कुल इंक्लोज करके पब्लिक नहीं हुई उन्होंने कहा जी ये हम आपको रिपोर्ट दे देते दे दे हैं जियोलॉजिकल और हमारी जो फाइंडिंग्स है लेकिन आप इसको पब्लिक ना करें अच्छा ओके okay. मतलब क्यों आज तक वो पब्लिक नहीं है, तो है नहीं तो पब्लिक कंसल्टेशन जरूरी है ना आप सवाल ये है ना कि आखिर उसमें क्या ऐसी चीज़ थी कि आप पब्लिक नहीं करना चाहते सरजमीन पाकिस्तान है ना बता तो दें ना कि क्या है वहाँ पे लोगों का हक है लोगों का हक है आप people must know. एंटर वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहते हैं ना वो एक जासूसी नावलों में हम पढ़ा करते हैं ना एक इमरान सीरीज होती थी उसमें एक बड़ा एक कोई एक हाँ वो, वो बड़ा एक वो कोई एक मिस्टीरियस किस्म का एक कैरेक्टर होता था वो आ, एंटर हो जाता था तो हमारा एक तारीख का बड़ा एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है डॉक्टर समर मुबारक मान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी हॉलीवुड की मूवी होती बहुत पुरानी ब्रूस ली के एंटर द ड्रैगन एंटर द ड्रैगन तो ये सो uh, so ये एंटर होते हैं uh, जब ये मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन mm. कोर्ट में पहुंचता है ठीक है mm. वो कंपनी उसको लेके जाती है तो डॉक्टर समर मुबारक मान इफ आई कैन रिमेंबर करेक्टली इस पे अगेन आई डिड अ होल थ्रेड ऑन दैट ही अपेयर आउट ऑफ नोवेयर और ये पेर्स आउट ऑफ नोवेयर और फिर वो कहते हैं कि ये एक खास एरिया है मुझे इसमें जो है वो प्रोस्पेक्टिंग की इजाजत दी जाए और मुझे इसमें वो ड्रिलिंग वगैरह की इजाजत दी जाए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या काम है यू आर सपोजिटली ए साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट राइट आपका इससे क्या काम है बिल्कुल वेल क्वेश्चन टू आस्क क्या कर? तो आपको क्या काम आपको किसने कहा है कि इधर आके ये करो की इजाजत ही yeah, उसके तो जा नहीं सकता हाँ। तो किसने उसको कहा था कि यार आप इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच के जो है ये मसला खड़ा करो ठीक है तो देखें आज तक किसी ने उससे ये सवाल नहीं पूछा कि जी वो ये खास एरिया उधर से भी कुछ नहीं निकला करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए लेकिन उधर से निकला कुछ नहीं है आखिर में आके देखें वही हुआ ना कि आपने उस कोर्ट से आ, वो उस आ, आ, जो फर्म है उससे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की आपने बिल्कुल बीस पच्चीस साल आपने ज़ाया किए खुदा के बंधु आप उसी वक्त से कर लेते बाजू बाजो साहब को लोग देते हैं बाजू साहब को तो बड़े क्रेडिट जाते हैं ना <laughs> तो अब उनको किन की चीज़ों का क्रेडिट दें तो देखें सवाल ये ना कि आपने 20-25 साल ज़ाया कर दे उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी गई उसमें आप दुनिया भर में जलील हुए तो सवाल ये है कि आप पूछने का कि इनमें से जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उनमें मिलिट्री गवर्नमेंट परवेज मुशरफ की भी थी exactly. कि इन सब से ये सवाल पूछने का कि यार आखिर में आपने यही करना था तो वाई डेंट यू डू एट दैट टाइम डूटली पॉलिसी क्या होती है पॉलिसी ये होती है ना कि यू लुक एट योर शॉर्ट कमिंग्स हमारी वीकनेसेस क्या है एग्जैक्टली exactly. और आप एक दफा यही तैयार कर लें कि आइंदा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे लेकिन हमारा क्या है हमें एक वो सर्कुलर मोशन है कि हमने जो गलतियां करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा, जा रहे हैं Now, है. hmm. है. का 80's से लोगों को पता है exactly. मैं कॉलेज में था मुझे अभी भी याद है वो रोजनामा जंग जो था उसका एक वो सफ़ा आता था उस पर सेपरेट वो की स्टोरी करते थे एक दफ़ा मुझे याद है इट वाज आई थिंक 97 96 और 97 उसमें एक बड़ा सवाल यही डॉक्टर समर मुबारक मद और इन्होंने जनाब अली उनका कि मैं थरकोल से इतनी इतनी, इतनी बिजली बनाऊंगा और इससे मैं वो एक वो एक प्रोसेस होता है मुझे उसका नाम याद नहीं है कि हम पाकिस्तान इतनी बिजली बना लेगा कि ना बाहर से हम तेल और गैस इंपोर्ट करेंगे ना बल्कि पाकिस्तान जो है पूरे ख़त्े को इस देर से बिजली सप्लाई करेगा आई वेरी वेल रिमेंबर दैट ठीक है जी उन्होंने कहा था कि बस मैं इस पर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ उस पर भी करोड़ों करोड़ों नहीं बल्कि एस एस्टिमेट अरबों रुपये खर्च हो चुके हैं इनके प्रोजेक्ट्स पे मशीनरी मंगवाई गई इनके एक्सपेरमेंट से नॉट अ सिंगल वॉट अड उसमें से कुछ भी नहीं प्रोड्यूस yeah, हुआ मतलब वो तो, तो बड़ा क्या आज तक किसी ने इस चीज पे उनसे पूछा है उनसे जवाब भी तो कोई जवाब तल भी किसी आ, ने किया जो हम वो कर रहे हैं ठीक है एंग्रो कर रहा है या चाइनीज कंपनीज आगे कर रही है तो हमने 20 साल क्यों जया किया

और फिर लोग जवाब तलबी तो करें ना कि बहुत नेशनल लॉस है बहुत बड़ा देखे ना नेशनल नेशनल हम, वहीं पे अभी भी हम जब बात कर रहे थे आ। पहले भी जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे और जब तक जो वो लोग जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते जो कानून के दायरे में आ, नहीं आ सकते exactly. उनको आप कटहरे में नहीं लाएंगे तो फॉरगेट के हम लोग अपनी गलतियों से सीखेंगे या फिर ये मुल्क सही होगा इट बॉइस डाउन टू दैट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमारी गलतियाँ उसमें गवर्नेंस का बड़ा रोल है ना वी डोंट हैव गवर्नेंस

फिर वो जो उन्होंने जो करना है वो करेंगे एग्जैक्टली दिस इज़ रियली आई मीन समथिंग अब इसमें ये जो हालात हमने देखे यू नो ओवरऑल हम देखते हैं कि इस ह्यूज यू नो काइंड ऑफ जती तौर पर मैं समझता हूँ कि पैसमिज़म ब्रीट हुआ ओवर द इयर्स। गलतियाँ हमने की रिपीट की वो सारे मामलों हुए सो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस अगर इकनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करें तो किस तरह के रिफॉर्म्स पाकिस्तान को चाहिए होंगे हाउ टू यू नो गेट आउट ऑफ दिस मेस कि हम आई एम में भी ना जाए जाएं तो हम प्रॉपरली उसको कंप्लीट uh, करें प्रोग्राम्स को फिर ऑफ कोर्स हमारा एक uh, जो रिपीटेड uh, सर्कल होता है दोबारा क्राइसिस में जाने का यानी हमारा कोई प्रोग्रेशन नज़र नहीं आता वी डोंट हैव ए लीनियर पाथवे टू इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो वो पाथवे वो जो uh, uh, रास्ते हैं वो कहाँ से कैसे मुतय होंगे ये एक लंबी बहस है इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है इट्स इट्स समथिंग ह्यूज आप उसको उसके लिए आप शायद पूरी एक और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए आपको शायद पूरी एक किताब बल्कि दो तीन किताबें लिखनी पढ़ें लोगों ने लिखी भी है। अभी हैं अभी देखें हमने uh, क्यों क्यों मसला हमारे लिए बना हुआ है मसला हमारे लिए इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारी इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो है ना आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएगा ब्यूरोट या जर्नेल बनाएगा ठीक है जी या ब्यूरोक्रेट बनाएगा या आपके डोनर्स बनाएंगे exactly. तो वो दीज आर फार रिमूव फ्राम पीपल एंड फ्राम ग्राउंड रियालिटीज़ली आपकी वो अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ मुझे कोई कहे कि यार वो मैं इधर से प्रपोज करूं कि नहीं वो बलूचिस्तान के इंटीरियर है उधर जो है मेरे ख्याल में तरक्की के लिए एक सड़क बना दो ये कर दो वो कर दो या मैं जीबी में कहूं कि जी जीबी में आप ये कर दें एक सेंट्रल प्लान बना mm -hmm. बस बना दें mm -hmm. पाँच mm -hmm. साल मुद्दत जबरदस्त प्लानिंग, प्लानिंग कर जबरदस्त प्लानिंग बस ये करें वो करें और उस पर सेक्रेटरी साहब छापा लगा बस जी बिल्कुल सही है अच्छी बात है और इसको वो करें देट्स नॉन सेंस सही है नॉट अबाउट नहीं कागज़ बड़े खर्च करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी आप पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे प्लान भी बने हुए हैं लेकिन इकनॉमिक आपने अपनी इकानमी चलानी है यू हैव टू तो बी कॉगनीज ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़ के ग्राउंड पे आप सिर्फ मैक्रो नंबर्स पे हमारे यहाँ पे एक बड़े इन्फ्चुएशन और अनफॉर्चुनेट आई एम सॉरी टू से हमारे बहुत से इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने यही तीन चार चीज़ें पकड़ी होती हैं टैक्सेशन मैक्रो नंबर्स होते हैं

जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी है गवर्नमेंट का सेक्रेटरी किसी भी उसके इदारे हाँ। का अच्छा अब इसकी अब ये क्या है तौर पर है कि आपने बिल्ली को दूध की निगरानी भी रख दिया <laughs> सही सही है बात है। तो आप उसी को जो के खर्चा कर रहा है उसी को कह रहे हैं कि आप अपने उसकी अकाउंटिंग भी करें और हाँ। अपना एहतिस भी करें बता दें कि तो मतलब देखें इसमें आपको कि वो एक अलग किसी वक्त इन उस पर वो करेंगे कि इसमें कितना पैसा तबाह होता है हर साल क्योंकि दे रहे सिंपल प्रोसीजर आप देखें वो वो जो मर्ज़ी कर ले सेक्रेटरी, जो मर्ज़ी खर्चे कर ले उसे पता है कि यार ज्यादा से ज़्यादा होगा कि ऑडिट वाले आएंगे वो भी दूसरे तीसरे साल आएंगे वो और वो ये नहीं कि प्रोसिक्यूट करते हैं वो सिंपली ये होगा कि अगर वो चोरी पकड़ भी लेते हैं तो वो कहेंगे कि ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन है ऑडिट ऑब्जर्वेशन जाती किसके पास है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती exactly. है है पे बैठा होता है। आ, जो उसका आ, <laughs> तो देखें सियासतदान का और ब्यूरोक्रेट का का खास सेक्रेटरी उनका आपस में बड़ा क्लोज लिंक और होता है जो जो इस तरह के आ, आते ना आगे लिखा होता है हो गया। तो आप फिर पी एस सी में जाते हैं पी एस सी में बड़ा अब वो होगा अब अब आप खुद देखें पी का सरबरा जब वो बंदा होगा जिसकी अपनी गवर्नमेंट के ऑडिट ऑर्डिट आए हुए हैं तो क्या ऑडिट होगा तो वो सेक्रेटरी को भी बचा लेगा ब्यूरोक्रेट्स को को भी बचा लेगा, और निजाम को भी बचा बचा लेगा लेगा और निज़ाम ठीक ब्यूरोगा वो वो आपके इकोनॉमिक तो आ, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं दूसरी देखें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बहुत सी चीजें आती हैं अभी हमने पाइड में वी डिड रैपिड ग्रोथ स्ट्रेटेजी जिसे हम कहते हैं पाइड की अच्छा नॉट बिकॉज आई वज पार्ट ऑफ इट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा द यूनिक थिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटी इज के हमने उसमें सिर्फ ये बात नहीं की कि जी तीन चार वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और ये चीज़ें उठा के सिर्फ इकनॉमिक टर्म और कैपिटल डीपनिंग और फाइनेंशियल डीपनिंग और फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी व टर्मिनोलॉजीज उठा के डाल दी नहीं उसमें हमने बात की है सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की उसमें हमने बात की है जुडिशल रिफॉर्म्स की उसमें हमने बात की है कि शहर जो है हमारे वो क्यों हमारे लिए प्रॉब्लम सही है yes. और आपके सिर्फ कराची जैसा शहर जो है अगर आप इसको सही तरह इम्प्रोवाइज कर सकें hmm. तो इसकी इतनी आमदन होगी कि आपके आप हैरान रह जाएंगे Exactly. सही Huge potential. दो करोड़ से ज्यादा की आबादी है जी. जो कि अभी वो आ रही है बल्कि इससे बहुत ज्यादा होगी hmm. आप सिटीज को अपने सिटीज आप देख लें आपके देटेडली गैस चेम्बर्स पोल्यूशन इतनी है yeah, सही आप सिटीज में इम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप बिजनेस में आसानी नहीं पैदा कर सकते 120 रेगुलेटरी एजेंसी हैं बिल्कुल एक इन्वेस्टर बेचारे का क्या ठीक है तो, तो वो वो इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो है वो सारा दिन जाके कभी एक से के एनओसी ले लो हाँ। ये क्या एनओसी वाला अक्सर डॉक्टर ندیم जो है हमारे वाइस चांस हाँ. वो एनओसी की बात कर रहे हैं एनओसी स्थान और प्लॉटिस्तान तो प्लॉटिस्तान एंड विल टॉक अबाउट द प्लॉटिस्तान थिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट रियल स्टेट रियल स्टेट का तो हमारा मसला ये है कि हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो ऊपर से सिर्फ ये है कि खर्चा और आमदन का वो सिलसिला ठीक कर लें तो सब hmm. कुछ ठीक हो जाए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है hmm. दैन आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मैं पर्सनली फील एक बहुत बड़ा इशू जो है hmm. वो हमारा ये है कि भी हमारी सत्तर पचहत्तर साल से ये पॉलिसी शुरू से ये चली आ रही है कि वो मेक पीपल डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट कि यार या ठहर जो मैं करता हूँ डोंट वरी अबाउट इट आपने देखा होगा ना अक्सर बात करते हैं लोग के हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती हर चीज़ में नौकरियाँ दें वो करें आ, तो ये डिपेंडेंसी ये सोच कहाँ से आई है आपने ये सोच भी तो बदलनी है exactly. मैं जब यूएस में ड्यूरिंग माई टाइम जब मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट रहा था वहां पर मुझे एक चीज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रैकिंग द चेंज इन माइंड सेट द डिफरेंस इन माइंड सेट ठीक है जी अब मेरे वाले साहब मरूम जो थे वो सिविल सर्विस में थे वो शुरू से मुझे कहते कि तुमने भी सिविल सर्विस का एग्जाम देना है सिविल सर्विस इज इन पाकिस्तान इसके अलावा कोई पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है मजे तो है सिविल सर्विस में। से, नहीं हर एक जी आपका कौन सी सीट है और किस ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है, <laughs> है। <laughs> तो आई नो अट ऑफ सिविल सर्वेंट्स वो उनका विचारों के लिए बड़ी मुश्किल है हाँ, बड़ी टाइट है पोटिकल हाँ। चीज़ें होती है ना सारी हाँ वो तो खैर <laughs> <laughs> एनी anyway, देखें जी ये एक माइंड भी आपने चेंज करना है माइंड हाँ। आप चेंज करें इंसेंटिव दे के। आप एज अ प्लानर या आप एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आप ये ना कहें कि यार ठहर जो मैं जो है मैं चीज़ें बनवाऊंगा मैंने ये सड़कें बनवानी हैं मैंने ये गलियाँ बनवानी हैं आप एक इंसेंटिव दें लोगों को कि यार कम आप खुद कोशिश करें विल हेल्प यू आउट Yeah. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ठीक है इकनोमिक रिफॉर्म्स, एक है बड़ा ये भी है कि है। कि चेंज ऑफ आपको मैं इस तरह की सौ हजारों मिसालें दे सकता हूँ छोटी छोटी चीजें ना अब अच्छा आप देख लें पूरे हम लोग बड़े शौक है हमें लंदन और न्यूयॉर्क वगैरह के मिसालें देने का लंदन न्यूयॉर्क वगैरह में उनका एक कंजेंशन टैक्स है ठीक yeah, है पाउंड पर आवर चार्ज करते थे बंदा तो लेके थोड़ी जाएगा गाड़ी तो, तो जाएगा। उससे वो कंजेशन और पोल्यूशन वगैरह का वो हाँ। उसको बड़ा हेल्पफुल है उसका exactly. बाप करने में हमारे हाँ। यहाँ पे आप चले जाए यहाँ पे सुपर में जिना सुपर में गाड़ी सारा दिन खड़ी रखे हाँ। वो दुकानदार जो होते हैं उन्होंने सारे स्पॉट्स ऑक्यूपाई किए होते हैं इट्स फॉर फ्री ठीक है तो आप उसको चार्ज वो करें तो आपके सिर्फ इस्लामा में अच्छा खासा अपना खर्चा निकलेगा कि गवर्नमेंट चलाने में बेहतर करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करें ठीक हाँ। है जी आपने लेकिन सारा जोर होता है फ्लाई ओवर वगैरह बनाने में कि जी वो सड़कें बना दें फ्लाई ओवर बना क्योंकि उसमें किसी को ठेके मिलने का बड़ा चांस होता है ना और पैसे दिलाने केक बैग्स उसमें है तो ये चीजें जो है ये रिफॉर्म्स जो हैं आर लॉट ऑफ द आर रिफॉर्म्स हैव टू डू विद आर माइक्रो लेवल कि छोटी छोटी आप टेंकर विद द लॉ या आप उसको थोड़ा सा चेंज करें ना इस तरीके से कि यार इट वर्क्स फॉर योर एडवांटेज आपको कितना टाइम लगेगा यार कि यहाँ पे चार्ज पार्किंग को सिलसिला कर लें हमारे इनफैक्ट पाइड में एक स्टडी भी इनको और हमने इनको दिया भी था वो साल हो गया हम इनके साथ काम कर सी डी हमारी टीम काम कर रही थी लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है okay. ठीक है जी तो ये चीज़ें हैं यू आपको कोई वो एक बड़ी कोई तोप चलाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है माइक्रो लेवल रिफॉर्म्स की आपकी ज़रूरत है लेकिन आपके ज़्यादातर रिफॉर्म जो आएंगे वो छोटे लेवल से माइक्रो लेवल से आएंगे आएँगे exactly. फिर इख्तियार की मुंतकली सबसे निचली सतह पर ठीक है अगेन आए मुझे कोई ज़रूरत नहीं एज अ प्लानर कि मैं यहाँ पर बैठ के गिलगित बल्तिस्तान के लिए पाँच साल के प्लान बनाऊँ नहीं लीव इट टू द पीपल उन्हें कहें कि जी एक एक एरिया होगा गिलगित होगा चित्राल होगा या इस तरह के और कोई एरिया होगा उधर गिलगित जीबी में क्या आप उनको कहेंगे यार देखा गेट टूगेदर mm -hmm. आप हमें बताओ कि आपके क्या इशूज हैं आप क्या चाहते हैं लोकल गवर्नेंस यही है ना जी क्या आप उनको कहें कि आप अपने फैसले खुद करें mm -hmm. आपने अपने खर्चे करने खुद करें mm -hmm. आप सोर्सेज आप अपनी आमदन के लिए जो आपके पास इख्तियार है टैक्स ठीक है तो टाउन काउंसिल बनवाए बनवाए उनमें सारे लोग शामिल हों इस डिसीजन में सही है तो देखें ये रिफॉर्म जो है आपके एक बड़ा एक और रिफॉर्म जो है वो आ, जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म चाहिए आपको नहीं। नहीं। आपको इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग जो है आप वो दो तीन चेदी चीदा चीदा, चीदा फाइनेंस मिनिस्टर वो आप अकाउंटेंट या बैंकर पकड़ लेंगे नहीं ये नहीं अब ठीक है बातें तो बहुत सी वो ठीक भी करते हैं

ये साजिश ही है बुनियादी तौर पर तो, तो उधर लंदन में बैठ के हर रोज ये जो है उसके पीछे पड़ा होता था साहब ये करें और यहाँ पे आके जना वो जब उसने ही डिड ऑल द आर्ट वर्क किया आ गया यहाँ पे नाजिल हो गया और मैं तो आ गया हूँ ओब देखें जी मैं आ गया हूँ तो डौल, ये डॉलर की कीमत 200 से कम होनी चाहिए और मैं आया हूँ तो अभी देखें एक दिन में इतनी गिर गई है मतलब कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ मैंने बड़ा तीर चलाया कमा ने यार आप यू आर जस्ट एन अकाउंटेंट ठीक है पर्सनल असिस्टेंट हो उनके हाँ, और आके आप करें ना दो सौ सौ रुपये से कम कर देना डॉलर की हाँ, कीमत तो, करके दिखाएँ मुल्क ठीक करके दिखाए और वैसे ही बोंगियाँ बहुत मारता है इज नथिंग ठीक है जी तो सो सॉरी इकनॉमिक रिफॉर्म्स पर हम बात करें तो इकनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो आपके इसी तरीके से यानी आपके और इंटेलेक्चुअल डेफिसिट आपकी उसकी मैं बात कर रहा था सही यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मोड ऑफ थिंकिंग जी आपने ये तीन चार चीज़ें पकड़ ली हैं एंड यू आपने एक वो सेलिप एज जस्ट एज अ लोगों को दिखाने के लिए एक चीफ इकॉनमिस्ट वहाँ पर लगा दिया है प्लानिंग कमीशन में hmm. लेकिन इख्तियार जो है वो सारा सेकटरी के पास है exactly. आखिर में सेकट्री ने एक डिसन करना है जिसने जिंदगी में कभी इकनॉमिक्स पढ़ी नहीं होगी हाँ एंड तो ये आपके इकनॉमिक रिफॉर्म्स ये हैं ना आप ये करें सो जस्ट फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड कि इक्नॉमिक रिफॉर्म्स उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए मैं रिकमेंड करूँगा कि एंड इट्स अवेलेबल ऑन पाइड्स वेबसाइट पाइड रैपिड ग्रोथ स्ट्रैटेजी आप उसमें रैपिड ग्रोथ स्ट्रैटेजी हमने उसको कहते हैं तो आप उसको पढ़ें उसमें देखेंगे इकनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं आप जुडिशरी हमने जुडिशरी की बात की है mm. जुडिशरी का जो है हर चीज़ में इन्होंने पंगा लिया होता है ना वो तो वाले काम भी उन्होंने वो, वो <laughs> काम भी करना शुरू कर दिया ना आ, सर तो हमने जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की है hmm. सही है आप बाहर मुल्कों में देख लें मैं जब यूएस में था वहाँ पर एक बड़ा मशहूर केस चला था hmm. और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर था तो वो जज जो है वो इकोनॉमिक्स का गए उसने कहा यार कि लुक आई डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मुझे इन चीज़ों का नहीं पता सो व्हाई नॉट कॉल एन इकोनॉमिस्ट और जो कि इस एरिया पे काम कर रहा है तो उस वक्त के दो बड़े मानाज बाइक एक इकोनोमिस्ट थे वो आए थे एक एक साइड के लिए आर्ग्यू करा था एक दूसरी साइड के लिए ठीक है जी सही तो इधर जो है वो एक जज बैठा होगा जिसने कभी जिंदगी में इन चीजों पता नहीं लेकिन वो कहेगा कि मैं अकले कुल्लू जिस तरह वो एक ब्यूरोक्रेट होता ना हाँ वो या फिर ब्यूरोक्रेट या फिर जर्नैल हो गया कि मैं अकले कुल्लू एंड आई नो एवरी तो वो यहाँ पे आके खुद फैसले कर देते हैं क्या होगा तो यही जो आपके सामने हाल है इसीलिए हाँ तो आई थिंक वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट रोपस्ट मेक्रोकनिक रिफॉर्म्स मोर देन ठीक है माइक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म, रिफॉर्म। मेक्रो तो खैर ग्लोबल भी हैं इंटरनेशनल उसके साथ लेकिन अगर हम हम पर्पेरनेस रेडीनेस की तरफ जाते हैं एटलीस हमारी सिस्टम बेहतर होना जी वी आर वेल प्लेस टू तो बेनिफिट फ्राम रादर रैन बीग एडवर्सली इम्पेक्टेड ये सब हम हो रहे हैं अगर आप बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की ना अपॉर्चुनिटीज आर विद इन पाकिस्तान एंड इन अ ग्लोबल वर्ल्ड देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज बट यू नीड द ब्रेंस यू नीड द इंस्टीट्यूशन यू नीड सिस्टम अच्छा अब तो इसमें एक और जो अहम मामला है जब भी मतलब वन टू थ्री में हम मोस्टली बात करते हैं गाड़ियाँ कितनी बिकी एयर कंडीशनर कितने बिके यू नो हमारे जो इंडिकेटर्स होते थे ना ग्रोथ yeah. के वो मेरे ख्याल अभी भी हम इसी पे कर रहे हैं जब भी हम इकनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो वी डोंट निससरी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशनल ग्रोथ ग्रोथेंटल ग्रोथ टॉक अबाउट वर्टिकल समथिंग राइट जी जी कि बस वो इकॉनॉमिक ग्रो करेगी और हमारे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होने शुरू होंगे तो उस पूरे डिबेट के अंदर हमने देखा कि जो अल्ट्रा पुअर है या गरीब लोग हैं जो इसकनॉमिक सिस्टम के अंदर जो जाहिर बात है जो ग्लोबल इकॉनमी है तो वो तो उसके डिसएडवांटेज लोग हैं उसके लिए मुख्त हुकूमतें सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स करती हैं पाकिस्तान के अंदर भी एक बी आई एस पी को इंट्रोड्यूस कराया गया आई थिंक लॉजिक यही था कि वो जो इनकम सपोर्ट हो उनके लिए जो इसकनॉमिक उसमें एडवर्सली इम्पेक्ट होते हैं शॉक्स जी जो जिनको ज़्यादा लगते हैं तो हाउ डिड इट वर्क आई मीन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम बिस् के हवाले से क्या अच्छा उसमें uh,

आपके मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इफ़ यू गो बाई द डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन तो देखें मैं मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा वक्त नहीं मिलता कि गवर्नमेंट्स ने कोई ऐसा काम ना किया हो या उनकी कोई ऐसी स्कीम या प्लान ना हो कि जिसमें सोशल प्रोटेक्शन शामिल ना हो इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड कि जो दैट इज़ बीइंग डबल्ड अराउंड ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई नहीं देखें हमारे फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स ना hmm. जब देखें उस वक्त कितने माज्रीन आए हैं कितने इमिग्रेंट्स आए हैं पाकिस्तान में तो वो जो तो हु टुक केयर ऑफ दम गवर्नमेंट थी गवर्नमेंट सही फिर हम नाइनटीन एटलीस्ट नाइनटीन फिफ्टी से डेवलपमेंट प्लानिंग कर रहे हैं डिवेलपमेंट hmm. प्लानिंग के या डेवलपमेंट प्लान जितने भी होते हैं या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है आपका क्या ख्याल है कि वो सिर्फ मैनेजर्स की जेब में जाता है अगर पुल बनता है अगर कोई इमारत बनती है अगर कोई सड़क बनती है क्या उसमें वो जो ऑर्डनरी जो लेबर है उसको को, कोई कोई इम्प्लॉय नहीं करता ज़्यादातर तो वही इम्प्लॉय होते हैं सो पाकिस्तान डेवलपमेंट एक्सपें अगर आप इफ़ यू लुक एट द डेफिनेशन इफ़ यू गो टू बॉटम ऑफ इट तो वो भी सोशल प्रोटेक्शन है वो भी आप प्रोटेक्शन ही दे रहे हैं ना वाई आर यू एक्सपेंडिंग ठीक है ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसका एक बड़ा जो वो रीजन डी एट होता है वो होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन आप वो करें कि ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से जो खास तौर पे बॉटम के तबके हैं उनको फ़ायदा हो आपके तो देखें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है और वो फाकी सतह पे भी है सूबाई सतह का अलग होता है तो वो सिर्फ ठीक है उसमें लोगों को वो एडवर्स वो है ना कि हमारे ज़्यादा वो बॉटम अप है बॉटम लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है वो पॉलिसी का फेलियर है तो बाई वेयर वै वेरी डेफिनेशन आप डिव... अच्छा पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएँ तो सरकारी अस्पताल है सरकारी स्कूल है इसके अलावा गवर्नमेंट के हर साल वो कोई ना कोई उन्होंने साल दो साल की कोई स्कीम्स चलाई होंगी तो वो किस लिए चलाते हैं सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल दस रुपये बीस रुपए की चिट बन जाएगी यू हैव द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर अवेलेबल ठीक है शायद क्वालिटी ना हो क्वालिटी का एक इशू है exactly. सरकारी अस्पताल है अच्छा सर अभी आप देख लें ये जो आ, पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड वाला इनिशिएटिव था इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव एंड शुड बी कंटिन्यूड ठीक है क्या ये सोशल सेफ्टी नहीं है किस के लिए? ठीक oh, okay. exactly. so, so, है? ज़्यादा फायदा इसको दैट वॉज वीक ये उस वक्त भी काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि यार uh -huh. इसको बनाने के लिए यूनीट टू वर्क ऑन इट क्योंकि ऐसा ना हो गवर्नमेंट चेंज हो जाए और फिर खत्म uh -huh. हो जाए और वही हो रहा है

ठीक ई ओ बी आई काम कर रहे हैं सही है आज तक मैं की समझ में नहीं आई हमारे तनखाओं से भी पैसे कटते रहे हाँ जी तनख्वाओं से पैसे कटते रहे हैं। कहां जाते हैं वो वो किस नाम पे कटते रहे कि यार आपके जो वर्कर्स हैं हाँ। के वो उनको पेंशन हम बाद में देंगे ओके सही है तो ये भी सोशल सेफ्टी है है कि नहीं है एग्जैक्टली exactly. फिर 1983, 1984 से जक़ात आपका सिस्टम काम कर रहा है तो जक़ात किसके लिए अमीरों के लिए तो नहीं होती वो गरीबों के लिए होती है आज तक किसी को ये पता है कि वो जितने पैसे जकवात के हैं वो किधर खर्च हुए किस को मिले कोई नहीं कोई ठीक है अच्छा चले अब सोशल सेफ्टी नेट एक नया फैंसी एक वर्ड आ गया ये भी डोनर्स ने आके हम बात करते हैं ना पॉलिसीज़ की अच्छा डोनर्स ने आके कहा जी चलो सोशल सेफ्टी नेट चलाओ चलाना शुरू कर दिया लेकिन अच्छा लोगों को ये एक बड़े आ, मुगालता है कि यार ये बस जो है ये बाहर के पैसों से वो डोनर फंडिंग नहीं डोनर फंडिंग इज़ हार्डली

तो 95 फाइव परसेंट टू 96 सिक्स टैक्स पेयर मनी अब सवाल पूछने का ये है इट्स नॉट mm. yeah, yeah, sure. अच्छा अब में एक खरब रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका mm. है टैक्स पेयर मनीउंट लेकिन अभी आप देखें कि पिछले साल से जब आप एक सिंपल एक शॉक आया सप्लाई शॉक आया और डिमांड शॉक जिसकी हमने बात की एन इन्फ्लेशन वेंट थ्रू द रूफ अब आप वर्ल्ड बैंक ये बता रहे हैं कि वो चालीस फीसद बल्कि इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत से नीचे चली जाएगी जाएगीबत की लकीर से नीचे सो माई क्वेश्चन एज एन इकोनमिस्ट एन नॉटी नॉट टेकिंग यू स्पेंट अ ट्रिलियन रुपीज अंडर दिस प्रोग्राम देन देर वॉज जुक़ात प्रोग्राम और इसके अलावा आपके डिवेल्पमेंट एक्सपेंसिज हैं आपका पूरा एक सब्सिडाइज स्कीम्स हैं ठीक है जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कूल लेकिन फिर भी वो एक वो जो लोग हैं वो एक छोटा सा शौक आता है कोई सप्लाई या डिमांड शौक होता है they, तो वो गो इन टू वो uh, आपके poverty. जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम <coughs> बन जाता है तो ये इतने पैसे खर्च करने का फिर आखिर में उसका क्या करना hmm. क्या आपने क्या सो वट्स द आउटकम ठीक है सो आपने एक खरब रुपए से ज़्यादा खर्च कर लिया आई येट टू कम अक्रॉस अ फैमिली दैट इज़ ग्रेजुएटेड आउट ऑफ पॉवर्टी मतलब बिज में सिर्फ एक ये नहीं था कि वो सिर्फ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर होते थे उसमें उन्होंने ट्रेनिंग्स करवाई हैं उसमें उन्होंने स्किल डेवलपमेंट करवाया है तालीम तालीम तो सो एज़ फार एज आई एम कंसर्न देखें ये टेम्पोरी फिक्सेस हैं आपका सिर्फ एक ही फिक्स है को कम करने का और वो है आपकी जी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हाँ जॉब क्रिएशन का जॉब क्रिएशन ठीक है? है और उस तरफ जो है वो इसमें भी मसला ये जो बिस है। वाला ना ने, जो नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री वो उन्होंने वो करते हैं जो पहले पावर्टी स्कोर कार्ड करते थे फिर अभी एन एस सी बड़े फ्लॉज हैं उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट टूल बनाया जिसके ज़रिए पूरे पाकिस्तान में डेटा कलेक्शन होते गरीबों की या पोअर हाउस होल्ड की इट्स वेरी टेक्निकली वेरी पोअर तो वो भी एक मसला है जो, जो डेटा आपके पास आता है कि वाकई कितना रिलाईबल है कितना क्रेडिबल है कि जिसकी बुनियाद पर फिर आप सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम टारगेटिंग करते हैं अल्ट्रा पोअर ये भी बड़े सवाल थे ना वो पोलिटिकल भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं मुख्तल हलकों में जो है हमारे पोलिटिकल uh, लीडर्स जो है अपने अपने बंदूं को नवाजते भी हैं तो ओवरऑल इट इज़ इट इस नॉट इफेक्टिव यू आर राइट एक तो गवर्नेस के हवाले से दूसरा इसका जो इकनॉमिक रेस्टिल आप बता रहे हैं विच इज़ नॉट वायबल आई मीन इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन टू ब्रिंग पीपल आउट ऑफ पावर्टी तो बिल्कुल ये तो हम अक्सर करते हैं ना जब हम कोई एक्नमी को अगर,

अभी सानिया निश्तराई उन्होंने कितने कोई डेढ़ कितने लाख नाइन हंड्रेड नौ लाख के आठ लाख लोग इसमें से वो जी जी ह्यूज ह्यूज अमाउंट के जी पड़ी ये पड़ी डिजर्व नहीं करते उसमें ग्रेड इक्कीस बीस के लोग भी थे जो कि बीस से पैसे ले रहे थे हाँ, exactly, सही अच्छा फिर अच्छा, इससे पहले दो में जो कि उन्होंने जल्दी से और मसाइल की तरह उसको बस द कारपेट क्योंकि उधर एक दो लोग हैं उनको बचाना है वो बड़े लाडले और पावरफुल है एक लाख छप्पन हजार लोग उसमें से निकले फेक ज hmm. मतलब आप आपका अगर नाम आ गया था आ, सर्वे के दौरान आपका नाम आमिर है hmm. मतलब खुवाीन को देते हैं वो वैसी मैं मिसाल दे रहा hmm. हूँ खातन है सोगरा उसका नाम आ गया नाम तो वो कोई और सोगरा थी वो उसके नाम पे पैसे ले रही हो बड़ा हुआ तो वो एक लाख छब्बीस हज़ार वो एक लाख छब्बीस हजार फेक बेनिफिशरीज दो हजार लेकिन उसको बड़ा कन्वीनियंटली उसको ब्रश कर दिया फिर आप चले जाएँ उसमें दो फेजेस थे एक तो ये आ, पावर्टी स्कोर कार्ड वाला सर्वे हुआ था ये 2011-12 में हुआ था जी, जी, जी। उससे पहले था पार्लियामेंटेरियन उसमें ठीक है जी तो वो जब पावर्टी स्कोर कार्ड सर्वे हुआ तो उसमें पता चला कि हार्डली 21% ऑफ द पीपल हु वर रिसीविंग पेमेंट्स दे रियली डिजर्व जिसे हम कहते हैं वो पावर्टी स्कोर कार्ड का जो नंबर था उससे नीचे आते थे या उसके बाद अठारह सोलह आशार्य कुछ था तो If I, if you <laughs> <laughs> अगर आप को मैं और ये जो एनएससीआर पे तो बिलियन रुपीज़ खर्च हुआ ना इस फ्रिज को लॉन्च करने के लिए बलूचिस्तान है मस फाटा है और एरिया उस जबान में फाटा था तो वहाँ पर मैंने खुद देखा है कि वो जो लोग फैमिली स्प्लिट भी करते थे जी उनको पता चलता था यार इससे बड़े पैसे मिलने वाले तो एक घर से चार घर भी बनते थे तो फिर मतलब <laughs> बड़े मसले वो दूसरा उसके अपने वो टेक्निकल और आई टी रिलेटेड इशूज़ थे क्रेडिबल डेटा आप उठा नहीं सकते उस पे फिर आप प्रोग्राम डिजाइन करते हैं फिर उस प्रोग्राम की इकोनॉमिक रैशनल भी इतनी वीक हो तो देन आई थिंक इट डजंट वर्क एक्चुअली इट डजंट और पाकिस्तान के ज्यादातर प्रोग्रामों के साथ यही मसला है अब हाँ। आपने एनसीआर की जिक्र किया ना सो आई वाज इन द फील्ड जब ये पहला सर्वे हो रहा था और हम लोग गए थे फील्ड में तो वो पॉलिटिशियंस जो थे जो उस वक्त पीपल पार्टी वाले तो उनके जो वोटर्स थे उन्होंने पहले उनको समझाया हुआ था कि यार इसमें ये है कि अपने घर में ये नहीं बताना कि तुम्हारे घर में ये चीज़ है ये आ, नहीं है ये तो कह देना कुछ भी नहीं है नाटर जाके हाँ जी है, हा, है मतलब वो घर के अंदर तो नहीं जा सकते हुए ठीक है दरवाजे बैठ तो वो उनको पहले से ही समझा दिया गया था

डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हमें अच्छी तरह पता है कि उधर कितने खापे होते हैं exactly. सही तो देखें अगेन बात वही आएगी कि हम खुद अपने अपने लिए मसाइल खुद खड़े करते हैं कोई बाहर से आके हमारे लिए नहीं खड़े करते इसमें एक और इशू है अभी जो ना है अभी इकोनॉमी की बात कर रहे थे तो हम बेसिकली जब भी देखते हैं मतलब मुझ जैसा आदमी या कोई भी शख्स जिस पर थोड़े अगर अपने सैलरी से कुछ बचा के देखते यार कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तो फौरन नहीं आते यार हम के प्लाट में लगाते हैं रिटर्न बहुत <laughs> ज्यादा है इस इस बड़े आते हैं हाँ रियल स्टेट में कहीं लगाओ उसमें सेफ इन्वेस्टमेंट है कोई कारोबार तो यहाँ तो चलता नहीं अच्छा बैंकों के पास लोन लेने या इवन सेविंग के लिए जाते तो बैंक तो गवर्नमेंट को ही लोन देता हमें तो नहीं देता जी, जी जी, वो सारे लैंडिंग भी गवर्नमेंट उठा लेता है मतलब आप उस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो है नहीं अब ये जो लैंड का इशू है पब्लिक लैंड का इशू है जिसको हमने बर्बाद किया वजह से एग्रीकल्चर लैंड पे इतनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं कोई हिसाब नहीं है पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ऐसा खाता है पानी के इशूज़ अब देखें बहरिया टाउन से लोग शिफ्ट होना शुरू गए बिकॉज दर इज़ वाटर शॉर्टेज जी, जी। दैन uh, मुख्तफ जगहों पर फिर लोग क्लस्टर करना शुरू करते हैं। फिर पानी ख़त्म होता है हमें कोई फिक्र नहीं कि पानी कहाँ से आएगा कैसे होगा एंड देन वी डोंट टॉक अबाउट दी एग्रीकल्चर लैंड के साथ हम क्या कर रहे हैं

मैंने उसकी पूरी एक तारीख़ ट्रेस किया है इसकी पब्लिक लैंड की उसकी एक्विजीशन वगैरह की अंग्रेज़ों के वक्त से ठीक है और फिर पाकिस्तान फोटी सेवन से कि यहाँ पे पब्लिक लैंड के साथ क्या हो रहा है लेटमी जस्ट गिव यू अ हिंट हम प्लोटिस्तान पे भी बात करते हैं लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट कि देखें इमरान ख़ान के दौर में आ, पी टी आई के दौर में इन्होंने आ, जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान इन्होंने एक आ, इनको किसी ने तजवीज़ दी थी इन, इनके आने से पहले वो जो हमारे पेटी ब्रदर है ना वो एक्सरसाइज कर रहे थे ना अच्छा, कि इसको हमको एजेंडा उठा के दें वही इनको लाए हैं अब तो खैर स्टोरी खुल गई है आ, तो वो पूरी उन्होंने एक एक्सरसाइज की थी कि यार इसके लिए तो उसमें किसी ने इनको प्रपोज ये किया था कि यार ये पब्लिक लैंड जो है ना इसकी यूटिलाइजेशन इट्स एन एसेट तो इसको यूटिलाइज करने के अगर तो देखें सिर्फ तीन शहरों में एंड दिस इज इमरान खान से सिर्फ तीन शहरों में जो सरकारी ज़मीन जो निकली है दैट वाज वो तीन आशार्य पाँच खरब रुपए की थी माय ओनली इन थ्री थ्री सिटीज सिटीज ठीक तीन आशार्य पाँच खरब रुपए खरब रुपए ओके okay. और उसमें से बहुत सा ऐसा जो है वो कब्जा भी हुआ हुआ था hmm. कई दहाइयों से कब्जा हुआ हुआ है hmm. सही है और उसमें बाकी जो है वो दैट्स hmm. अब इसका कौन जिम्मेदार है ये तो 47 से हो रहा है हाँ। आपको एक इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूँ कि 1947 में अभी ये पाकिस्तान का है उसके तीन महीने बाद वो क्लिपिंग भी मेरे पास पड़ी है दैट वाज फ्रॉम नवंबर और अक्टूबर ओके okay. के वो जो जमीनों की बंदर बांट शुरू हुई थी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सिर्फ तीन महीने बाद अच्छा पाकिस्तान बनने के तीन तीन महीने, तीन महीने बाद।, बाद तो हम पुराने खिलाड़ी हैं ये पुराने खिलाड़ी हैं जमीनों की बंदर बाट और ये चीजें चेंज करने में तो देखें ये उस वक़्त से सिलसिला चला रहा है एंड कम्प्लीटली अनस्टॉपेटेड स्टॉप hmm. क्यों नहीं हो रहा पब्लिक लैंड के बारे में रेलवे के पास है फौज के पास इतना लैंड है ठीक है ह्यूज लैंड कंटोनमेंट्स है uh, फिर आप uh, रेलवे के अलावा डाकखाने के डाकखाने हैं और हर ادارा जो है ईओबी के हर ادارے में देखिए हाँ, बहुत बड़ी लैंड हाँ जी वो आप और फिर वो एक वो, वो, वो कौन सा है ये जो वो जो प्रॉपर्टीज छोड़ गए थे ट्रस्ट वाले हां ट्रस्ट वाले उनकी इतनी ज्यादा जमीनें हैं Hmm. तो के पी का मैंने बड़ी मुश्किल से एक थ्रू ए सोर्स मैंने निकलवाया पंजाब का मुझे नहीं मिला hmm. या और सूबों का क्योंकि देते ही नहीं है ना hmm. के पी का मैंने डेटा तो उसमें जितनी जमीन थी उसमें सेवन परसेंट जो थी वो कब्जा थी ओके माय गुडनेस जो पच्चीस फीसद इस्तेमाल कर रहे थे उसमें से इनको ट्रस्ट वालों को गवर्नमेंट को करोड़ों का मुनाफा दे रही थी मंथली hmm. सालाना था सालाना तो आप सो, सोचें अच्छा उस पचहत्तर फीसद में से भी दस फीसद जो है सरकारी इदारों ने कब्ज़ा किया हुई थी माशा <laughs> <थी>? अच्छा। <laughs> तो बाकी जो पैंसठ फीसद थी hmm. वो प्राइवेट लोगों ने ग्रो ने ताकतवर ग्रो ah, होते हैं ah. उन्होंने कब्जा की हुई थी तो आप सोचें कि अगर वो पैंसठ फीसद चले आप पचहत्तर फ़ीसद ना भी यूटिलाइज़ करें आप hmm. उसमें से पचास फ़ीसद भी यूटिलाइज कर लें तो आपका सरकार को कितना मुनाफा होगा एग्जैक्टली आप यूटिलाइजेशन की बात करें ना अच्छा फिर आप शहरों में चले जाएं आप इस्लामाबाद में घूम फिर लें आप किसी भी शहर में घूम फिर लें दरमियान में आपको ह्यूज स्वेट्स ऑफ लैंड होंगे वो वैसे ही पड़े होंगे खाली, खाली सरकार के इदारे सरकार आप इस्लामाबाद में चले जाएं, सरकार सरकार की बिल्डिंग्स हैं वैसी पड़ी हुई हैं और exactly. लेकिन इशू क्या है इशू यह है कि आपके अपने सरकारी इदारे वो इस बात पर राजी नहीं है कि इनको यूटिलाइज करें वो क्यों वो आपको रेलवे वालों से जाके डेटा मांगे वो कभी नहीं देंगे वो करते क्या है वो आपस में खुद ही रेलवे हाउसिंग सोसाइटी बना लेंगे क्योंकि उसमें रेलवे का अफसर होगा वो अपने लिए उसका प्लॉट निकल आएगा प्लॉट निकल आएगा तो प्लॉट तो यहाँ पे आ, उसकी मार तो प्लॉट तो यहाँ पे मेन बिजनेस है हाँ। तो रेलवे का एक अफसर होगा कि वो अपने लिए चार पाँच रेलवे की बीस शहरों में जो है रेलवे की हाउसिंग सोसाइटीज़ उसका कोई डेटा नहीं है कि किसने खरीद किसकी कितनी वो और रेलवे के अफसरों ने कितनी की है तो दे वुड नेवर गिव यू द डेटा ये उन्होंने अपनी यूटिलाइजेशन के लिए रखी होती है उसमें उनको बड़ा फ़ायदा होता है mm. करोड़ों का फायदा होता है सिमिलर इज द केस विद कंटोमेंट सिमिलर इज द केस विद आर्मी डी एच एज इन एवरी ठीक है जी वो अच्छा फिर आप देख लें कि आप उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे भी mm. तो ज़रा देखें यहाँ पर हम बात करते कोर्ट्स की अभी वो लेट मी पाकिस्तान स्टील की एग्जाम्पल है mm. फिर यह रेलवे की भी एग्ज़ाम्पल है ये दोनों केसेज गए थे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे लास्ट जो पाकिस्तान स्टील के पास ह्यूज लैंड उसको एक गवर्नमेंट ने मनसूबा बनाया वफाकी और सिंध गवर्नमेंट ने कहा यार चलो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो जनाब अली किसी ने केस दायर कर दिया वो केस चलता चलता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया okay. और सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि वह सवाल ही नहीं पैदा होता ये तो सरकारी पब्लिक लैंड है कोई नहीं यूज़ करेगा ये इसी तरह पढ़ा रहेगा बस पढ़ा रहे पढ़ा रहे ठीक है जी really so तो देखें आप फिर प्लॉटिस्तान की मैंने आपको देर दिन इकोनॉमिक रैशनल फोला है क्योंकि पाकिस्तान में और तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं ये सबसे ये सबसे लोक्रेटिव ये ह्यूज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन अच्छा फिर आप देर इज इकनॉमिक देर इज अनदर फैक्टर आप किसी भी बार जब, जब जाए ना यू ट्रैवल टू आउटर आपने वहाँ पे स्टडी किया है आप हमेशा एक चीज़ नोट करेंगे सो यू आर

आप पूरी दुनिया में चले जाए अपार्टमेंट से लोग रहते हैं हमने यहाँ पे कोठियों में रहना हर एक ने अपने शा, लिए कोठियों शा, शा, शाही अंदाज शाही जो है ना तो अब अच्छा अब यहाँ पे वर्टिकल को एक्सपेंशन करने की कोशिश करें सबसे पहले आपका डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो भागा भागा आएगा वो दूसरी जंग पहली जंग अजीम के कवानीन है कि नहीं जी ये तो आप hmm. फ्लोर से ऊपर बना नहीं सकते। hmm. ये कानून बताते नहीं बस कानून नहीं कानून? नहीं सकते ये कानून कानून रीज़न बताते बताते बस ना जी ah. आपने कर दी, तो फिर उनके अपने है। hmm. उसकी प्राइस गिर जाएगी तो ये यही फिर सिविल एविएशन वगैरह का यही इशू है सो प्लाटिस्तान जो है देर इज अ इकनॉमिक रैशनल इंसेंटिव बिहें अगर आप लैंड uh, उसमें uh, उस वो कर रहे हैं uh, या प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देर इज अ रीजन फॉर इट आप किसी यू डोंड टू बी पी एच डी इन इट आप किसी अनपढ़ से भी जाके पूछ ले वो वो क्या करेगा वो गाँव में जमीन बेच के अपनी इधर शहर में एक छोटा सा पाँच मरल का प्लॉट लेगा ले huh. exactly. अब इस्लामाबाद में आप चले जाए पाँच मरल का जिसमें मैं वो रहता हूँ सरकारी स्कीम है सही है सरकार इज अ बिग पार्ट ऑफ कि जी हमने हाउसिंग प्रोवाइड करनी exactly. है जो कि एक बड़ा पार्ट है, इस, hmm. इस housing, yeah, है? Yeah. Yeah. चले पाकिस्तान के बाद एक रेशन बनता था जब पाकिस्तान कायम हुआ क्योंकि उस वक्त कोई था नहीं hmm. अब तो हजारों वो है प्राइवेट सेक्टर वाले भागे आएंगे अब लेकिन देखिए मैं मिसाल था कि जिस जगह मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में इट्स गवर्नमेंट फेडरल uh, वो है हाउसिंग सोसाइटी है ना ठीक है उसमें पाँच मरले का प्लाट जो है अब पानी वहाँ पर कोई वो नहीं है सीवरेज वगैरह का कोई हर जब आप चले जाए हर दिन कहीं ना कहीं गटर जो है खुला होगा uh, फिर वेस्ट डिस्पोजल का कोई निज़ाम नहीं है वो छोटे रेड़े लाए होते हैं उस पर हाँ। रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे पाँच मरले का प्लॉट जो है वो अब डेढ़ करोड़ रुपए का आप अंदाजा लगाए घर नहीं बना हुआ उस पर ठीक है तो देखें ये चीज़ें जो है यू डोंट नीड अ पी Needs a PhD to these उसको वैसी नजर आ जाती है आप यहाँ से और किसी को कहे कि यार मैंने इतने का प्लाट खरीदा वो कहेगा अच्छा तूने इतने का प्लाट खरीदा वाह तो मैं भी खरीद लेता हूँ गाँव में वो इधर साइड पर जमीन बेचेगा अपनी फिर आके इधर प्लाट ले लेगा ले या बल्कि आप लोग बेच भी नहीं रहे क्यूँकी आप देखें इस्लाम इतना फैल गया कराची और लाहौर की तो देखना आप मोटरवे जाए चक्करी So तो देखे like देखें वो ए, और बाद जगहों पे सिर्फ फाइल बिकती है जमीन नहीं होती है तो देखिए यू हैव प्लॉट बट यू डोंट नो वेयर इट इज यू हैव अ फाइल एंड यू कैन सेल इट आपको अच्छी मार्केटिंग चाहिए पाकिस्तान में जो इतने exactly. बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं वो किस लिए होते हैं आप मार्केटिंग कर दें कि यार यहाँ पे वो कायम होगी है और उस पर एक बड़ी सी प्यारी सी तस्वीर लगा दें और एक वीडियो बना दे वीडियो बना वो बना कौन दे। सा मुश्किल काम हाँ। है यार एक एनिमेटेड वीडियो बना किसी सेलिब्रिटी का हाँ। वो डाल दे उसमें बस हाँ। हाँ जी तो हाँ। लोग जो है वो तो इन्वेस्टमेंट के किसी को जरूरत होती है जनरली लेकिन ज्यादातर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के, के यार प्लॉट खरीदेंगे इससे पैसे बन जाएंगे रखेंगे पाँच साल बाद ज्यादा हो जाएगा पैसा हो जाएगा तो जाके ले लेते हैं फिर बाद में पता चलता है गवर्नमेंट उस वक्त भी रेगुलेटर उस वक्त एबसेंट होता है जिस वक्त ये उन्होंने इश्तेहार दिया होता है पूछना भी नहीं है क्योंकि उन्होंने यार ग्रेट सत्रह का बंदा होगा उसका आपने रजिस्ट्रार लगाया हुआ है तो वो करोड़ों रुपए के सामने कहाँ टिक सकता है सही है तो फिर बाद में आके कोई अगर कोई कोर्ट चली जाएगी कंप्लेंट, तो वो फिर जाके वो कहेगा कि ओ ये तो गलत हुआ पाँच साल बाद उसको याद आएगा तो ये फिर मामला कोर्ट पहुंच जाएगा और फिर अगेन कोर्ट का फिर वहीं पे हम आते हैं कि रिफॉर्म्स की बात करें ना तो आपके जब कोर्ट के अपने जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आजकल मामला सामने है कि तो उन्होंने तीन, तीन तीन चार चार हुए। exactly. तो उसके not, मतलब पाकिस्तान में तो कोई ऐसी चीज अच्छा इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे इंडस्ट्री यहां पे इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल है वो रोता है वो कहता है कि यार क्या इंडस्ट्री और जिस किस्म के उसको टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं एग्जैक्टली आपने की बात देखें इंसेंटिव नहीं है मैं मैं फाइलर हूं हम्म वुड यू बिलीव के इस बार ही मुझे जो मेरे टैक्सेस फ़ाइल करता है आ, वो मुझे उसने इस दफ़ा कहा कि सर ऐसा है मैं आपको मशवरा देता हूँ कि इस काम को छोड़ दें इसका कोई फ़ायदा नहीं है टैक्स फाइल ना करें ना करें अच्छा ये मेरा मुझे, मुझे खैर था यही ना देखो देखे ए, दिस ओ, really अभी मैंने टैक्स पिछले साल का फाइल किए नहीं थे मुझे एक हफ्ते बाद नोटिस आ गया आ जी, आ फाइल करें। आपके में आता है कि में ना तो देखें इसीलिए इतनी बड़ी ब्लैक इकोनमी भी है कोई रजिस्टर नहीं करवाता इंसेंटिव कोई नहीं है तो ये प्लाटिस्तान का जो है सिर्फ प्लॉट इट्स नॉट अबाउट प्लॉट इट्स अबाउट इंसेंटिव आपके पास इंसेंटिव इंसेंटिव नहीं है है आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने प्लॉट्स की तरफ जाना है आपने इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना आपने कंप्यूटर्स की तरफ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ नहीं जाना कौन इतनी खपत करेगा कौन करेगा ये तो मेहनत तो वाला काम है ये तो मेहनत तो वाला काम है आ, ना आसान काम है एक थोड़ा सा पांच मरले की जगह ले लो साल दस साल बाद जो है पांच साल बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी फिर ये दिस इज़ तो ये ये तो बिल्कुल ऐसी इकोनॉमी है जिसका कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं है बस इस ना ये जॉब क्रिएट करती है ना आपके नेशनल उसमें कोई ज़मीनों पे तो कोई फ़ायदा भी नहीं ना आपकी पब्लिक फंड्स तो जनरेट नहीं होते कुछ भी नहीं होता तो दिस इज़ रियली डिफिकल्ट आई मीन इसमें जो है वी हैव दी यू नो दिस रियली बिग चैलेंजेस नो इस किया आई नो हाउ टू कम आउट ऑफ ऑल दिस बट आई आई थिंक जिस जिस क्राइसिस में अभी पाकिस्तान है माई जब हम कहते हैं ना, नाजुक दौर से गुजर रहा था पाकिस्तान वाकई वाकई जो है नाजुक दौर में तो आ गए हैं ऐसे नाजुक तो कोई नहीं हो सकता तो अब लेट्स uh, होप कि हम इससे बाहर निकल आए आई मीन लेट्स होप जो रिफॉर्म्स या जो तजावीज़ आपने रखी हैं जो रिकमेंडेशनस आप दे रहे हैं आई होप दैट दे मेक सेंस टू दॉलिसी मेकरस आई मीन उनका अगर कोई सेंस है अभी तक तो सेंसिबिलिटीज हमें नज़र नहीं आई बट आई थिंक होप इट वर्क फॉर देम एंड वर्क फॉर आस एज ए नेशन